हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज 15 दिसंबर 2018 वार शनिवार। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ यदि आप राजस्थान जी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज, हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशन से, जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों। To give a flip to the medical device sector, which is sunrise sector, Union Minister of Commerce and Industry and Civil Aviation, Suresh Prabhu announced setting up of a National Medical Devices Promotion Council under the Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP, in the Ministry of Commerce and Industry. Medical device sector को भरने के लिए जो एक सूर्योदय क्षेत्र है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की स्थापना की घोषणा की है। परिषद की अध्यक्षता DIPP सचिव द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे हैज पार्टनर विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज NIAID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, द USA टू बिकम ए मेंबर ऑफ NIAID TB पोर्टल्स प्रोग्राम। मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE ने NIAID TB पोर्टल कार्यक्रम के सदस्य बनने के लिए राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान NIAID राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस निर्मला सीतारमण मेट विद रशियन फेडरेशन जनरल सर्गेई शोइगु इन द न्यू दिल्ली मार्किंग द 18th मीटिंग ऑफ द इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन IRIGC MTC। भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में रूसी संघ के जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की, जिसमें सैन्य तकनीकी सहयोग IRIGC MTC पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 18वीं बैठक को चिन्हित किया गया। नेक्स्ट, इंडिया एंड सऊदी अरबिया साइन द बायलेटरल एनुअल हज 2019 एग्रीमेंट एट जद्दा। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी एंड हज एंड उमरा मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया डॉक्टर मोहम्मद सलह बिन तहिर बेंटन। भारत और सऊदी अरब ने जद्दा में द्विपक्षीय वार्षिक हज 2019 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और हज और सऊदी अरब के उमरा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहर बैटन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली टू वेट द रिकमेंडेशन ऑफ ए हाई लेवल पैनल ऑन स्ट्रेस्ड पावर प्रोजेक्ट। सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद GOM का गठन किया है। द
ताकि तनावग्रस्त ऊर्जा परियोजनाओं पर उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिशों की विवेचना की जा सके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एकेडमिक लोमोनोसो द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट FNPP फॉर इंस्टॉलेशन इन रिमोट एरियाज हैज बीन स्टार्टेड एंड ब्रॉट टू 10% ऑफ इट्स कैपेसिटी, रशियन स्टेट रन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोस्टोम अनाउंस्ड। रूसी राज्य संचालित परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टोम ने घोषणा की कि एकेडमिक लोमोनोसोव विश्व का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र FNPP दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापना के लिए शुरू कर दिया गया है और अभी इसकी क्षमता का 10% लाया गया है। नेक्स्ट, देन 39th गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल समिट वाज इनोग्रेटेड बाई द किंग सलमान ऑफ सऊदी अरबिया इन रियाद। रियाद में सऊदी अरब के राजा सलमान ने 39वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति। द कांग्रेस पार्टी हैज पिक्ड ओल्ड गार्ड अशोक गहलोत ओवर सचिन पायलट एज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। पायलट विल बी द डिप्टी CM ऑफ राजस्थान एंड विल आल्सो कंटिन्यू एज द स्टेट कांग्रेस चीफ। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट पर पुराने गार्ड अशोक गहलोत को चुना है। पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होंगे और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रजेंद्र पाल सिंह बाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII एंड चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स गवर्निंग काउंसिल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। निर्माता और निर्देशक ब्रजेंद्र पाल सिंह को फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संस्थान की शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, यस बैंक लिमिटेड हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ब्रह्म दत्त एज द बैंक्स पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन आफ्टर फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक चावला रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन। पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद यस बैंक लिमिटेड ने अपने स्वतंत्र निदेशक ब्रह्म दत्त को बैंक के अंशकालिक और गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट्स, रैंक्यूम रिपोर्ट। एज पर द UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एस्केप रिपोर्ट FDI इनफ्लोज टू साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया डिक्रीज्ड बाय 6% इन 2017 ड्यू टू ए ड्रॉप इन फॉरेन फंडिंग फ्लो टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड तुर्की। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत और तुर्की जैसे देशों में विदेशी वित्त पोषण प्रवाह में गिरावट के कारण दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में FDI प्रवाह में 2017 में 6% की गिरावट आई है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अनाउंस्ड दैट ग्लोबल डेट हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 184 trillion US dollars with the United States, China and Japan accounting for more than half of it. International Monetary Fund ने घोषणा की है कि वैश्विक डेब्ट 184 trillion अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान का आधे से ज़्यादा का योगदान है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की मुख्य समाचार, करंट अफेयर्स न्यूज, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें, UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अनअकैडमी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।